हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। मेरा नाम बैक टू न्यू वीडियो। और गाइज, यहाँ पे देखिए, हमने जो एक पैराग्राफ बना रखा है, ठीक है। अब गाइज, मैं आपको बताऊंगा इसमें पैडिंग और मार्जिन जो है कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो यही है कि सीएसएस में आपको पैडिंग और मार्जिन का जो है कैसे यूज करना है। गाइज, मार्जिन से ये मतलब है, गाइज देखिए, ये जो पेज है ये है टॉप पे, ठीक है, अपने टॉप पे, ठीक है। तो गाइज, इसको मान लीजिए आपको जो नीचे लाना है थोड़ा, या फिर आपको साइड में इधर उधर लेके जाना है, तो उसके लिए जो गाइज आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए गाइज, मुझे जो मार्जिन देना है टॉप से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे मार्जिन देना है टॉप से, ठीक है, मार्जिन टॉप करते हैं। और इसको जो है हम करते हैं, हाँ जी, पिक्सल्स में आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए 50 पिक्सल, इसको जो है हमको थोड़ा नीचे लाना है टॉप से, ठीक है। तो गाइज देखिए, अभी जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जो है इसको जो है थोड़ा लेफ्ट से भी जो है लाना है, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट से मुझे जो है इसको 30 पिक्सल लाना है, ठीक है। तो ये भी जो है आप कर सकते हो। ईजी है गाइज, ये बहुत ईजी है, ठीक है। डेफिनेटली आपको जो है ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा गाइज एक ऑप्शन ये है, ठीक, कि आप जो है चारों को जो है एक साथ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लाइक मार्जिन आप यहाँ पे आइए, फिर गाइज सबसे पहले जो है टॉप से अप्लाई होगा। तो मान लीजिए मैंने जो है ये आपको ऐसे करना है, फिर जैसे 50, ठीक है, उसके बाद में जैसे मैंने किया दूसरी जगह से 30, फिर राइट से किया मैंने, फिर जो है मैंने बॉटम से 20 किया, देन राइट से मैंने जो है 10, लेफ्ट से जो है 10 किया, ठीक है। तो ऐसे जाएगा ये टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट, ठीक है। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड हम रन करते हैं, ये देखिए, इधर से लेफ्ट से हमने कम किया था, तो लेफ्ट से जो है कम हुआ, ठीक है। लेफ्ट से अगर गाइस मैं बढ़ाता हूँ तो लेफ्ट से भी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसको जो हम 60 कर देते हैं, ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ से जो है ज़्यादा हो जाएगा, ये देखिए। तो ये जो है ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर आपको एक साथ जो है मार्जिन देना है, एक तरफ देना है, तो गाइस मैंने बता दिया ऐसे मार्जिन लेफ्ट राइट वगैरह ऐसे करके भी आप जो जो है दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। मार्जिन जो है मैंने 50% किया, तो गाइस वो जो है 50% जो है आ जाएगा, ठीक है, एरिया में, ये देखिए गाइस। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे मार्जिन मैंने किया यहाँ से 40 पिक्सल, तो गाइस मैं ऐसे करता हूँ, तो फिर ये देखिए, तो ये देखिए गाइस चारों तरफ से 40 40 पिक्सल जो है मार्जिन ले लेगा, ठीक है। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक साइट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है डोमेन रेसर। और गाइज अगर आप एक अच्छी वेब होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप की होस्टिंग मिलती है, जैसे वेब होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अगर गाइज मैं आपको रीसेलर होस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे उसमें भी आपको अनलिमिटेड लिनक्स सीपैनल रीसेलर और WHMCS रीसेलर, ये सब जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। और गाइज अगर रीसेलिंग होस्टिंग की भी प्राइस की हम बात करें तो वो भी गाइज इस पे जो है चीपेस्ट प्राइस में जो है आपको रीसेल होस्टिंग मिल जाएगी। और गाइज देखिए सिर्फ 250 रुपीज पर मंथ में आपको मिनी प्लान मिलता है, जिसमें आपको 12 cPanel अकाउंट मिलते हैं, यानी कि 250 रुपीज में आप जो है यहाँ पे होस्टिंग खरीद के उसको 12 लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं cPanel में, और आप उसका जो है काफी अच्छा खासा चार्ज ले सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे अर्निंग करनी है तो गाइज आप ऐसे अर्निंग करनी है, क्योंकि काफी कम प्राइस में जो है आपको जो है इतना ज्यादा जो है फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपको इसके लिए ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा, और ये सब कुछ जो है गाइज आपको मिल जाएगा डोमेन रेसर पे। तो गाइज डोमेन रेसर जो है जरूर आप ट्राई कीजिए, अगर आप एक अच्छी रीसेल सेलर होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो इस साइट को जो है आप डेफिनेटली जो है ट्राई कीजिए। तो इस तरीके से जो है गाइज ये जो है काम करता है, यानी कि तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे जो है आप यूज कर सकते हो। गाइज मार्जिन हो गया, अब गाइज बात कर लेते हैं पैडिंग की। अब गाइज पैडिंग क्या है, ये तो जैसे मैंने मार्जिन था 40 पिक्सल दे दिया, अब पैडिंग गाइज इसके अंदर का मार्जिन है, यानी कि बॉर्डर के अंदर का मार्जिन जो है वो पैडिंग में आएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए गाइज टेक्स्ट जो है बिल्कुल आपको जो है टच नजर आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं जो टच नहीं रहे, थोड़ा अंदर रहे। तो गाइज इसके लिए जो है हम पैडिंग देते हैं 30, ठीक है, पैडिंग मैंने दे दिया गाइज 30 पिक्सल। गाइज जरूरी नहीं आप PX लगाए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट PX अगर आप लगा देंगे तो बेटर है, ठीक है। 30 पिक्सल गाइज ये भी आप लगाना मत भूलना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं तो फिर आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, देन आई कान डू एनी थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये गाइज हमने लगाया है, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए गाइज पेडिंग आ चुकी है गाइज 30 30। तो हमने जो 30 का स्पेस दिया तो उस हिसाब से आ गई है। अब गाइज मान लीजिए आपको जो है 30 का स्पेस नहीं देना है, चारों में अलग अलग देना है, तो गाइज देखिए सबसे पहले आपको देना है टॉप का, ठीक है, उसके बाद में गाइज सीक्वेंसली चलती है, फिर गाइज ये जो है राइट का है, एंड राइट का मान लीजिए मेरे को जो है 20 10 ही देना है, ठीक है, 10 PX। एंड देन उसके बाद में बॉटम का जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा देना है, 40 PX। फिर गाइज मुझे जो है लेफ्ट का जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा देना है, वो भी 40 PX देना है, ठीक है। तो गाइज देखिए अब कमाल, रन करते हैं फिर से, एंड इसको रिफ्रेश करते हैं, कि देखिए। तो इस तरीके से गाइज देखिए आप जो है यूज कर सकते हो, दोनों जो है अच्छे हैं, पैडिंग टैग को और मैंने उसके बारे में भी बता दिया है मार्जिन टैग को। ज़्यादा यूज नहीं और काफ़ी ईजी जो है यूज करना है इन दोनों टैग, इन दोनों
बोल सकते हैं कि एक टाइप से ये जो है आपकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को जो आप इस तरीके से जो है यूज कर सकते हो, और अपनी जो सी एस एस जो है इन कीवर्ड्स को आप यूज कर सकते हो, और सी एस एस को और ज्यादा आप जो है डायनेमिक बना सकते हो। और गाइज और भी आप करना चाहो तो इसको जो है एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ है। जैसे अगर आप पैडिंग लिखते हो तो गाइज पैडिंग भी देखिए, गाइज लेफ्ट बॉटम राइट इन लाइट पैडिंग पैडिंग ब्लॉक स्टार्ट, तो इन सबको जो है गाइज आप एक्सप्लोर करिए, क्योंकि सब कुछ जो है मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं वीडियो जो है काफी बड़ी हो जाएगी। तो आप जो है खुद की तरफ से एक्सप्लोर करिए गाइज, बहुत ही जी इनको। एंड सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे लाइक का बटन है, उस पर जो है आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, वहां पे आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो है आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है मैं बता दूंगा कि जो है आप इसको कैसे कर सकते हो, और एक्चुअली मैंने किस चीज के बारे में बताया है। उसके अलावा गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप रेगुलरली जो है हमारी वीडियोस की अपडेट चाहते हैं, तो गाइस अपने सब्सक्राइबर का बटन है, रेड बटन है गाइस, और इसको जो रेड बटन को जो है आपको ग्रे कर देना है सब्सक्राइब करके। तो इसके अलावा गाइस, अगर आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन चाहिए हमारी वीडियो की, तो जब आप सब्सक्राइबर के बटन पे क्लिक करोगे वहां पे एक बेल आइकन भी आएगा, उस बेल आइकन पे भी जो है आप क्लिक कर दीजिए, तो जब भी हमारे चैनल की वीडियो आएगी आपको इंस्टेंटली जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।